हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो फॉर लर्नर्स। हम यूजीसी नेट एनटीए सोशियोलॉजी के एनटीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा यूनिट वन चल रही है अभी। यहाँ पर इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में जाना, अब हम उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे। उत्तर आधुनिक उपनिवेशवाद में जाने से पहले उत्तर आधुनिकतावाद का एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये है। जैसे कि पहले बताया आपको पिछले लेक्चर में कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है कला और संस्कृति से जुड़ा है, तो आपने देखा होगा ये इस तरीके की एक ड्राइंग टाइप की होती है, इसी को उत्तर आधुनिकता का है। आधुनिक जो कलाकारी होती थी वो कैसे होती थी, इसमें कुछ इमेजेस वगैरह बनी होंगी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये किस तरीके की है, बिल्कुल डिफरेंट। देखा जाए अगर इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप देख सकें, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जा रहा है, इसी को हमने पोस्ट मॉडर्न पीएम पोस्ट मॉडर्न आर्ट कहा है। यही हमारी इस तरीके की जो कला होगी इसको पोस्ट मॉडर्न आर्ट कहा जाता है, ठीक है। सेम इस तरीके की आर्ट हो गई, आप देख सकते हैं कि ये जो आर्ट है इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, ना आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन ये करोड़ों रुपए में बिकती हैं और ये आजकल यही बनती है। इसमें क्या कहा जाता है कि ये फीलिंग्स हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, लोगों को देखना है, इन्हें समझना चाहिए, ठीक है। तो यही एक तरीके की उदाहरण है पोस्ट मॉडर्न जो हमारी आर्ट है, आर्ट की फील्ड में यही है। और पोस्ट मॉडर्न डांस हो गया या फिर म्यूज़िक हो गया, जो डिफरेंट तरीके की म्यूज़िक फॉर्म्स हैं आजकल, बिल्कुल अलग तरीके की चल रही हैं, सब चीज़ों को कोलैब करके जो बनाया जा रहा है, तो उसी का हमने नाम दिया है पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्न आर्ट। अब हम आते हैं उत्तर उपनिवेशवाद के ऊपर। हम ऊपर उत्तर उपनिवेशवाद हमारा टॉपिक है अब, जिसमें कि हम देख रहे हैं उत्तर उपनिवेशवाद की परिभाषा, ठीक है। उत्तर उपनिवेशवाद बेसिकली ये भी जो है हमारा इसी बीच में आता है, 1970s 1980s के आसपास में आता है। उपनिवेशवाद हमने शब्द सभी ने इतिहास में सुना होगा, जिसे हम कॉलोनिज्म भी कहते हैं अंग्रेजी में, कॉलोनिज्म, ठीक है। कॉलोनिज्म का मतलब क्या है, कॉलोनी यानी कि किसी का सेटलमेंट एक जगह पर आना, इज्म का मतलब होता है रहना लोगों का, ठीक है। तो इसे अंग्रेजी में हमने कहा कॉलोनिज्म, हिंदी में कहा उपनिवेशवाद, ठीक है। आज से पहले हमने उत्तर नहीं पढ़ा था, केवल उपनिवेशवाद पढ़ा था, ठीक है। उत्तर उपनिवेशवाद एक आधुनिक परिभाषा है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है, जैसे कि भारत क्या था, एक उपनिवेशक देश था, का अर्थ है वह देश जो किसी एक समय में किसी विदेशी शक्ति के अंतर्गत उपनिवेशक रहा हो, जैसे भारत। सिंपल परिभाषा है, कोई भी देश जहां पर विदेशी सत्ता यानी कि पश्चिमी लोगों ने, खासकर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित करके रखी हो और उनके जो भी उनकी जो संसाधन थे उनका इस्तेमाल किया हो, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। जो उपनिवेशवाद था वो बेसिकली संसाधनों से जुड़ी हुई एक व्यवस्था थी, ठीक है। उपनिवेशवाद संसाधनों से जुड़ी हुई एक व्यवस्था थी, लेकिन जो उत्तर उपनिवेशवाद है ये संस्कृति से जुड़ी हुई है पूरी तरह से, ठीक है। यहां हम संस्कृति और समाज की बात करेंगे कि हमारी संस्कृति और हमारी समाज किस तरीके का था, ठीक है। उत्तर उपनिवेशवाद में हमें इसके बारे में जानना है। जो एडवर्ड सेड का हम यहां पर नाम पढ़ेंगे सबसे पहले, एडवर्ड सेड जो थे, इन्होंने फिलीपींस के वॉर के बारे में बताया है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया है ये पूरा सिलेबस उत्तर उपनिवेशवाद, पहले था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी एडवर्ड सेड वगैरह का नाम आया है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। उत्तर उपनिवेशवाद क्या है, उत्तर उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी भी देश में किसी विदेशी शक्ति के कारण हुए सांस्कृतिक प्रभाव तथा उसके स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों को जाना जाता है। इन क्षेत्रों में या इन देशों में वृहद स्तर पर सूचना विज्ञान के प्रसार का अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है उत्तर उपनिवेशवाद की। उत्तर उपनिवेशवाद का मतलब यही है कि किसी देश में उपनिवेशवादी शक्ति की वजह से जो परिवर्तन हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, या फिर जो सूचना विज्ञान का प्रसार प्रचार प्रसार हुआ, उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। उत्तर उपनिवेशवाद को मुख्य रूप से उपनिवेशवाद के बाद की स्थिति माना गया है, ठीक है। ये तो सिंपल है, अब जो भी जैसे कि आधुनिकता था तो आधुनिकतावाद के बाद की जो स्थिति है वो उत्तर आधुनिकतावाद है, और उत्तर उपनिवेशवाद की जो स्थिति है वो उत्तर उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद के बाद की स्थिति। उपनिवेशवादी शक्तियों ने किस प्रकार इन देशों की संस्कृति को प्रभावित किया है, वही इस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। क्या परिवर्तन हुए, उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणाओं को प्रमुख रूप से होमी बाबा, यहाँ पर वह नाम आता है होमी बाबा जहांगीर, जिनका हमने सभी ने नाम सुना होगा भारत में, ठीक है। एडवर्ड सेट और आदि विचारकों ने प्रस्तुत किया। एडवर्ड सेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे आगे वो इन्हीं की थ्योरी पढ़ेंगे, ओरिएंटलिज्म की थ्योरी। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेट की उत्तर उपनिवेशवाद के ऊपर प्रमुख पुस्तक है। इस पुस्तक में एडवर्ड सेट द्वारा तीसरी दुनिया के देशों पर बौद्धिक साहित्यिक सांस्कृतिक अध्ययन किया गया। आपको केवल इतना याद रखना है, ओरिएंटलिज्म एक बुक है जो कि एडवर्ड सेट की है, और इसमें इन्होंने उपनिवेशवादी देशों की वजह से जो परिवर्तन हुए हैं, औपनिवेशिक देशों के ऊपर जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे।
एडवर्ड सेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्ड सेट के बारे में। एडवर्ड सेट का मुख्य अध्ययन इसराइल और फिलिस्तीन के जो इनका जो संघर्ष था वो भी हमें याद रखना है, इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष से जुड़ा हुआ है और उनके द्वारा पश्चिमी दुनिया जैसे यूरोप और पूर्वी दुनिया जैसे भारत व अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव के बीच जो अंतराल है उसका अध्ययन किया गया है, जिसे द्विसांस्कृतिक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि द्विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, तो द्विसंस्कृतिकरण की अवधारणा एडवर्ड सेट की है। और इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है द्विसंस्कृतिकरण में, यहाँ से हम देखते हैं दोबारा से, भारत व अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव के बीच जो अंतराल है उस पर अध्ययन किया, जिसे द्वि सांस्कृतिक दृष्टिकोण कहा गया, यानी कि सांस्कृतिक और राजनीतिक जो प्रभाव है उनके बीच में जो अंतर है। ठीक है, और वो कैसा अंतर है, जो औपनिवेशवादी शक्तियाँ थी यानी कि जो अंग्रेज थे, जो भी भारत जैसे कहलाते तो हम ब्रिटिशर्स का एग्जांपल लेके चलेंगे, तो उनके प्रभाव से जो परिवर्तन हुए, जो गैप बना सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव के बीच में, उसी को उन्होंने क्या गया, द्विसांस्कृतिक दृष्टिकोण, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति। जैसे कि भारत में आज कौन सी संस्कृति है, हम अंग्रेजों ने कौन सी संस्कृति चलाई थी, टेबल कुर्सी की संस्कृति वही लेकर आए थे, या स्कूलों में पढ़ने की मॉडर्न सोसाइटी जिसे हमने उस वक्त नाम दिया, तो वो क्या थी, या कपड़ों के मामले में हम देख लें उनकी संस्कृति थी तो, और हमारी संस्कृति क्या थी, विद्यालय में जाके अलग तरीके की गुरुकुल प्रणाली थी शिक्षा ग्रहण करना। तो इनके बीच में यही जो दो संस्कृतियां थी, इनके बीच में जो व्यवस्था थी या जो डिस्टेंस था, उसी को उन्होंने क्या बताया, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। पुस्तक द स्ट्रगल फॉर फिलिस्तीन सेल्फ डिटर्मिनेशन 1994 में एक बुक लिखते हैं जिसमें वो फिलिस्तीन के स्ट्रगल को बताते हैं कि फिलिस्तीन में जो है कितने परिवर्तन हुए। फिलिस्तीन की हिस्ट्री लगभग आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, तो फिलिस्तीन का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, वहाँ पर लगातार युद्ध होते रहे हैं, जनरली वहाँ जो युद्ध हुए हैं वो ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि पवित्र धरती का नाम आपने सुना होगा फिलिस्तीन में, इसराइल, फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन अंग्रेजी में सुना होगा, जॉर्डन, जेरूसलम, ये सभी जो हैं पूरा का पूरा हमारा जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, अब अगर जानेंगे जो मेडिटेरियन सी के पास आता है ये एरिया, तो यहाँ पर क्या है, हमेशा से पवित्र धरती यानी कि पोप की जन्मभूमि माना गया है फिलिस्तीन को, तो वहाँ पर जो है इसको लेके हमेशा से कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न रही हैं। तो अंग्रेज़ों ने और आसपास की जितनी कंट्रीज थी, इसराइल फिलिस्तीन हमेशा से यहाँ संघर्ष रहा है, आज भी आप सुनते होंगे यहाँ संघर्ष रहता है। तो इसी के बारे में, इसी में जो सांस्कृतिक प्रभाव हुए, जो वहाँ पर किस क्रिश्चियन धर्म के लोग थे, जो फिलिस्तीनी लोग थे, वहाँ अलग अलग धर्म के लोग थे, उनमें क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में बताया है। ठीक है, एडवर्ड सेड ने अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म में यह बताया कि पश्चिमी देशों ने किस प्रकार अपनी सांस्कृतिक वर्चस्व को पूर्व के देशों के ऊपर लागू कर दिया और इनके अनुसार पश्चिमी देशों ने पूर्वी देशों में उपनिवेशवाद के आधार पर अपनी व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक है, एक तरीके से इसको समझिए, भारत जैसा देश है, सिंपल है, भारत देश में क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति रखी, जैसे कि अगर हम आज के वर्तमान संदर्भ की बात करें, वर्तमान में क्या है, एकल परिवार, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, ये क्या है, एक इसको हम क्या मानते हैं, पश्चिमी संस्कृति मानते हैं। ठीक है, या फिर हम मॉडर्न कपड़ों के रूप में ले सकते हैं, मॉडर्न कपड़े जो हम आज की डेट में पहनते हैं, भारत में क्या था, धोती कुर्ता पहना जाता था, सूट बूट की सरकार जैसे बोलते हैं आजकल, हम सुनते हैं सरकार को लेकर सूट बूट बोला जाता है, तो सूट बूट ये कहाँ की व्यवस्था है, कहाँ का कल्चर है, वहाँ का कल्चर है विदेश का, भारत का कल्चर ऐसा नहीं था, यहाँ जो थे खादी के कपड़े, कुर्ता पजामा लुंगी इस टाइप के कपड़े, धोती इस टाइप के कपड़े पहने जाते थे, तो ये कल्चर कहाँ से आया, वहाँ से। तो हमने इसको क्या बोला, सांस्कृतिक वर्चस्व, उन्होंने क्या बोला, तुम्हारी संस्कृति खराब है और हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। अगर हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो उन्होंने कहा वो तुम्हारी संस्कृति खराब है, चर्च में जाके पूजा करो वो अच्छा है। उन्होंने कहा तुम धोती कुर्ता पहनते हो तो क्या कहा, ये तुम्हारी संस्कृति खराब है और हम सूट बूट जो पहनते हैं हमारी संस्कृति अच्छी है। ठीक है, तो इसी के आधार पर उन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व की क्या करी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा क्या कहती है, इसका मतलब क्या है, या किसने दी थी और इसकी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो एडवर्ड सेट द्वारा दी गई है इसकी परिभाषा। वर्चस्व क्या हो गया, किसी भी एक संस्कृति का वर्चस्व होना, और मुख्यतः किस संस्कृति के लोगों का वर्चस्व था, विदेशी संस्कृति के लोगों का वर्चस्व था। ठीक है, यहाँ पर सेकंड हमारे आते हैं, इन्हीं के साथ साथ हम पढ़ेंगे पीटर बोर्डियो के बारे में। तो बोर्डियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये नए सिलेबस में जुड़ा है, इससे पहले जो हैबिट्स का सिद्धांत है यह नहीं था, ये केवल समाजशास्त्र में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि बोर्डियो की जो बुक्स हैं उनके बारे उनमें लिखा गया है, इन्होंने हैबिट्स के सिद्धांत के बारे में बताया है। हैबिट्स के सिद्धांत में आपको केवल इतना जानना है कि हैबिट्स क्या होती है, यानी कि हमारी आदतें, बोलते ना हमारी, मेरी हैबिट है ज़्यादा बोलने की, या बोलते ना मेरी हैबिट है ऐसा कुछ खाना खाने की, तो क्या होता है, हैबिट का मतलब आदत, एक सिंपल शब्द ऐसे समझें, हैबिट का मतलब होता है आदत। तो अब इन्होंने इसको सांस्कृतिक रूप में, संज्ञा समाजशास्त्र के रूप में कैसे परिभाषित किया, समाज से जोड़ के हम केवल वो समझ लेते हैं। ठीक है,
सॉरी तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं द इनहेरिटेंस, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, डिस्टिंक्शन, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, ठीक है, एंड कल्चर एंड कल्चर एंड सोसाइटी 1970 में, ठीक है, द इनहेरिटेंस, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, डिस्टिंक्शन, इन बुक्स में इन्होंने क्या बताया, ये बुक्स सब इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस इनकी बुक थी, यहाँ पर इन्होंने हैबिट्स की बात करते हैं, हैबिट्स का मतलब जैसा आपको सिंपल बताया आदत, ठीक है। बोर्डियो ने हैबिट्स के सिद्धांत का उल्लेख अपनी पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में दिया, ठीक है, इनकी एक बुक है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन जहाँ इन्होंने हैबिट्स की बात करी। इनके अनुसार हैबिट्स का सामान्य अर्थ है आदत जिसमें किसी भी समूह के आकांक्षा एवं मूल्य सम्मिलित होते हैं, ठीक है, जिसे वह जीते जीते सीख लेते हैं और जीते जीते सीख लेते हैं, ठीक है। पहले अब इसको समझ लेते हैं हम कि इन्होंने क्या बताना चाहा है हैबिट्स के अनुसार। हैबिट्स इन्होंने अपनी बुक पुस्तक लिखी रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, इसमें इन्होंने बताया हमारी कुछ आदतें होती हैं जिन्हें हम किसी भी एक समाज में एक सोसाइटी में रहते हुए सीख लेते हैं, और ये ऐसी आदतें हैं जो अपने आप से हम डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, जिस कल्चर में रहेंगे, जिस संस्कृति में रहेंगे, वहाँ हम इन आदतों को ढाल लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब हम भारत के संदर्भ में इसे देखेंगे, जैसे लोहार या सुनार होते हैं आदि, यह लोग अपने कार्य या अनुभव के आधार पर अपनी हैबिट्स या आदत विकसित कर लेते हैं तथा यह जान लेते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है हैबिट्स की। शायद पिछले अभी जो नया सिलेबस आया है इसमें इससे इस बार क्वेश्चन भी था हैबिट्स को लेके पियरे बोर्डियो से, तो जो बेसिक है अभी आपके इंपॉर्टेंट यही है, बाकी इसके अलावा हम आगे अपडेट करते रहेंगे कि इनसे इंपॉर्टेंट और क्या टॉपिक हो सकता है पियरे बोर्डियो से। बोर्डियो का फिलहाल केवल यही है, और इनका बाकी एक सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सिद्धांत है और सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत भी है। फिलहाल हम हैबिट्स का सिद्धांत देख लेते हैं। हैबिट्स में केवल यही है कि हमारी जो आदतें होती हैं और हम किस प्रकार किसी समूह में रहते हुए उन आदतों को विकसित कर लेते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, दैट इज हैबिट्स, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था स्टार्टिंग में जब ये सिलेबस में आया था हैबिट्स क्या है, तो हैबिट्स का आपको एक बेसिक सिंपल याद रखनी है आदतें, ठीक है, समाजशास्त्र में वैसे भी समाज से जुड़ा हुआ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी आपको पुस्तक याद रखनी है द इनहेरिटेंस द लॉजिक, इसके साथ साथ इनकी कल्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मिशेल फूको आ जाते हैं, बट बोर्डियो के बारे में हम एक दो सिद्धांतों को और जान लेते हैं। बोर्डियो का एक सिद्धांत है इनका सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत, ठीक है, एक सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत है और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का भी सिद्धांत है। जो इनका सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत है उसमें ये रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन जैसे जो बुक है ऐसे ही एजुकेशन के बारे में ये बात करते हैं, यानी कि शिक्षा। ये अपने इस सिद्धांत में सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत में ये बताते हैं कि होता क्या है, जो व्यक्ति उच्च वर्ग में पैदा होता है वो उच्च संस्कृति को फॉलो करता है, जो गरीब घर में पैदा होता है वो गरीब संस्कृति को फॉलो करता है, ठीक है। केवल इतना जान लें कि जो उच्च घर में पैदा होगा वो अच्छी शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और हमेशा अमीर बनता जाएगा या अमीर रहेगा, ठीक है, उसकी संस्कृति हमेशा श्रेष्ठ होगी, उसकी संस्कृति हमेशा श्रेष्ठ होगी जो उच्च घर में पैदा होगा और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है। वो कहता है जो एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति निम्न घर में पैदा होगा और उसकी जो संस्कृति है यानी कि जो उसका कल्चर है वो भी बिल्कुल डाउन रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, भारत के संदर्भ में हम देखते हैं, मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति सड़क के किनारे रहता है और उसने एक छोटे से सरकारी स्कूल से या किसी छोटे से एक वैसे ही एजुकेशन प्राप्त करी, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि वो एजुकेशन कैसी है, वो उसकी जो संस्कृति डेवलप कर रहा है वो अपनी, वो छोटी ही है। और वहीं अगर हम किसी बड़े मान लीजिए कोई अंबानी बिरला है और उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी है, कहीं ना कहीं एक वो डिफरेंस बना हुआ है हमेशा बीच में, तो इसी की वो संस्कृति के रूप में बताते हैं कि वो हमेशा बना ही रहेगा। गरीब कितनी भी शिक्षा ले ले उसकी संस्कृति निम्न रहेगी और जो अमीर है उसकी शिक्षा हमेशा श्रेष्ठ रहेगी, तो वो उच्च और निम्न वर्ग के बारे में यहाँ पर एक शिक्षण व्यवस्था के आधार पर अपना बता देते हैं। साथ साथ वो एक सांस्कृतिक पुनरुत्पादन यही है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन भी, कि हमारी संस्कृति जो है वो निम्न रहेगी और उच्च नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद आपको हैबिटस का सिद्धांत इनका बता दिया गया है, यहाँ पर बस इनका यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सांस्कृतिक पूंजी से रिलेटेड है इनका, जो शिक्षा से संबंधित है कि किसी की शिक्षा उच्च शिक्षा और निम्न शिक्षा के बारे में बात करते हैं ये, कि असमानता जो है समाज में बनी रहती है। और साथ साथ इनका एक हैबिटस का सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट है वो हैबिट्स का सिद्धांत ही है, अंग्रेजी में जिसे हम हैबिट्स कहते हैं, HABITUS, हैबिट्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिशेल फूको, ह्यूगो एंड हैबरमास के बारे में पढ़ेंगे, एंड कोशिश करें इन छोटे छोटे फैक्ट्स को समझने की और इन्हें याद करने की या कोशिश करें, रट लें पूरी तरह से, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए उस वक्त कि आपने इस चीज़ को कहीं सुना है और कहीं पढ़ा है। अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आएगा तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स होती हैं और हम उसको याद नहीं रख पाते हैं।
तो इसलिए एक सिंपल वे में सिंपल छोटी छोटी स्टेटमेंट्स के साथ में बताया गया है, एक शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं आपके लिए। एक आसान काम ये हो गया कि आपको नोट्स जो है अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो इन्हीं को आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट वाइज सब चूज, और आपके लिए ये ईजी हो जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पर मिशेल फुको के में ही एक बोर्डियो में ही एक डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि डायग्राम इसलिए बनाया है कि जैसे कि कोई लोहार होते हैं, ये उसी समय का 18वीं शताब्दी का ही एक चित्र यहाँ पर लगाया गया है। जैसे कि जो लोहार या सुनार होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक समाज में एरिया में रहते हैं, तो वहीं पर ही वो ये जैसे देख रहे हैं आप लोहा पीटना या जो भी होता है उसको ठोका पीटी कर रहे हैं, जो भी लोहे हुए के शेप देने के लिए, तो वो एक संस्कृति डेवलप कर लेते हैं और उन्हीं को देख देख के दूसरे लोग भी वैसी संस्कृति बना लेते हैं। तो यह एक एग्जाम्पल के तौर पर एक इमेज भी दिखा दी गई है। अगले लेक्चर, इस लेक्चर को पूरे बार बार देखें, आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो हमारे समाजशास्त्री हैं फूको हैबरमास जैसे समाजशास्त्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।